रात को कब आए? 12 बज गए थे। फिर क्या सोचा? किस बारे में? अपनी जिंदगी के बारे में। तुम तो अपनी जिंदगी को उस खुदगर्ज औरत के पीछे कुर्बान करने को बैठे हुए। मां, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही है हैदर, मैं मां हूं तुम्हारी। दिल को खिलौना समझकर उस महमिल को खेलने के लिए दे दिया कि वो जब दिल चाहे खेले और जब चाहे तोड़कर चली जाए। देखो बेटा, आजमाए हुए को आजमाते बेवकूफ लोग हैं। जो औरत तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर दौलत की खातिर तुम्हें छोड़ गई, अब वो वापस तुम्हारे पास उसी दौलत को ठुकरा कर आती है, तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि वापस उसे उसके घर भेज दो। जानती हूं तुमसे ये नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम घर के मामलात मेरे ऊपर छोड़ दो और अपनी तवज्जो अपनी बीवी की तरफ रखो, जो तुम्हारी मोहब्बत की और तुम्हारी तवज्जो की असल हकदार है। मां, दिलनशीन की कभी भी हक तलफी नहीं की है मैंने, और आने वाले वक्त में भी नहीं करूंगा। ऐसा करके तुम खुद पर एहसान करोगे, क्योंकि मैं एक तलाक याफ्ता बेवफा एक बच्चे की मां को किसी तौर पे भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। महमिल जैसी खुदगर्ज और मौका परस्त औरत की ना तो पहले इस घर में कोई गुंजाइश थी, ना तुम्हारे दिल में होनी चाहिए और ना ही मैं होने दूंगी। ये घर मेरी बहू का है और तुम उसके शौहर। रही आपकी सैंडविच, गुड। मैं अंदर आ सकती हूँ? श्योर, अंदर आ चुकी हो तुम। मैंने सोचा आपकी तबीयत मालूम कर लूं, काफी ऊंचाई से गिरी थी ना, चोट लगी होगी। हैदर ने मुझे चोट लगने ही तब दी। फैक्ट, हैदर के होते हुए मुझे चोट लग ही नहीं सकती। चाहे वो दिल हो, जिस्म हो या रूह, वो ढाल बना मेरे साथ खड़ा रहता। गलतफहमी है आपकी, क्योंकि ऐसा कोई रिश्ता नहीं है ना आपका उनके साथ। हाँ, आप मोहब्बत करती होंगी उनसे, लेकिन दुनिया इस रिश्ते को नहीं मानती। दुनिया की परवाह किसे है? आपको ना सही, मगर मेरे शौहर को तो है। इस दुनिया की, सोसाइटी की। दुनिया जिस रिश्ते को मानती है, वो रिश्ता भी जल्द बना लूंगी मैं हैदर के साथ।
बीवी जी, आपको बेगम साहब बुला रही हैं। ठीक है, चलिए मैं आ रही हूँ। आप ही नाश्ता करें, फिर दवाई खानी होगी। नहीं, मम्मा खाना खिलाए ना। जी मेरी जान, मैं अपनी प्रिंसेस को नाश्ता कराऊंगी। ये आपका सैंडविच और ये रहा आपका जूस। क्या बात है, खैरियत है ना? मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? जब शौहर अपने दिल के अंदर किसी और औरत के प्यार को बसाकर आपको अपनाए, तो ऐसी औरत के चेहरे पर मनहूसियत ही छाई होती है, जैसे मेरे चेहरे पे छाई भी है। और आप, आपने कितना डराया मुझे अफेयर से, कितनी बातें सुनाई वो अलग, और यहां यहां तो मेरे शौहर की साबका महबूबा मेरी आंखों के सामने दंदनाती फिरती है। वो कुछ नहीं, इसमें भी तुम्हारा ही कसूर होगा। जब शौहर को बीवी से प्यार नहीं मिलता ना, तो वो चोर रस्ते तलाश करता है, वरना बीवी के सामने तो वो सब कुछ भूल जाता है। भूलता तब है जब शौहर के दिल में बीवी का सिक्का चलता हो। यहाँ तो पहले ही वो उसे अपने दिल में बिठाए बैठे हैं जैसे ताले लगाकर। मेरी हर दस्तक लौटकर मुझी तक वापस आए तो मैं क्या करूं? अम्मी वो महमिल से अपनी मोहब्बत निभा रहे हैं, मेरे साथ सिर्फ कमिटमेंट। अगर ये कमिटमेंट उस मोहब्बत के आगे नहीं ठहर पाई तो मैं क्या करूंगी? What is this? Oh, is a hairbrush? अरे ताई अम्मी, आइए ना अंदर आइए। आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए। तुम्हें शायद भूलने का मर्ज लाहक है, लेकिन मेरी याददाश्त इस उम्र में भी बहुत तेज है। क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये मेरे बेटे का घर है और यहां आने के लिए मुझे किसी की इजाजत दरकार नहीं है? मेरा वो मतलब नहीं था ताई अम्मी, आप गलत। तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझ रही। तुम अपने शौहर से लड़के यहां आई, मैंने कुछ नहीं कहा, मगर अब तुम मेरी बहू और बेटे के दरमियान लड़ाई की वजह बन रही हो, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैंने क्या किया था यानी? मैं तो तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, मकसद यह है कि अब तुम अपने घर जाओ। बाहर गाड़ी खड़ी है, वो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देगी। उससे आगे जाने का हौसला तुम खुद अपने अंदर पैदा करो। भाई अम्मी, मैं वहां नहीं जाना चाहती और मैं तुम्हें यहां नहीं रखना चाहती, समझी तुम? मैं कहां जाऊंगी? अपने शौहर के घर। औरत की असल पनागा, या यूं कह लो कि उसका ठिकाना शौहर का घर ही होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ताई अम्मी, मुझे याद है अम्मी अपनी पनागा सिर्फ इसलिए छोड़ के आई क्योंकि ताया अबू की डेथ के बाद आप और हैदर बिल्कुल अकेले हो गए थे, जिन्होंने अपना घर, अपनी छत, अपना सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया। आज आप उन्हीं की बेटी को कह रही हैं कि हमारे घर से निकल जाओ, और कुछ ना सही, अपने शौहर की यतीम भतीजी समझ के मुझे पनाह दे दे। पनाह तो मैं दे दूं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी से मेरे घर का सुकून बर्बाद हो रहा है। ये क्या कह रही है ताई अम्मी? मुझे
मुझे इतनी बड़ी सजा देने से पहले मेरा जुर्म तो बताएं मुझे। बस बीबी, गड़े मुर्दे मत उखाओ। मेरे बेटे ने सालों जोग में गुजार दिए, अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया? अब उसके बसे बसाए घर को बर्बाद करने पे तुली हो? ऐसा कुछ नहीं है ताई अम्मी, कुछ नहीं है ऐसा। एक जहां दीदा औरत हूं मैं, जो कुछ हो रहा है उसे देख भी रही हूं और समझ भी रही हूं। मुंह पे ताले डाल रखे थे इसलिए कि मेरे घर का सुकून बर्बाद ना हो, लेकिन तुम तो घर को बर्बाद करने पे तुली हुई हो। नहीं भाई, ऐसी हमदर्दी नहीं करनी। अब तुम जाओ अपने घर। भाई अम्मी, मैं वहां नहीं जाना चाहती। अब समझ क्यों नहीं रही, घर नहीं जहन्नुम है वो। तुम्हारा अपना बनाया हुआ जहन्नुम है। इस घर में रह के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हैदर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसे आवाजें देकर उसका रास्ता खोटा करने के बजाय तुम खुद चलती बनो। दायमी, प्लीज दायमी, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे अपना लिया जाता है। आ गई ना दिल की बात जबान पे। अपनाया अपनों को जाता है और तुम पराई हो चुकी हो, मेरे लिए भी और हैदर के लिए। अब अगर तुम्हारा अपना कोई है तो वो अनसब है। तुम उसी के दर की खाक हो, वहीं लौट जाओ। मेरे बेटे की जिंदगी को खाक करने की कोशिश मत करना। ताई अम्मी,